James Fulgence Bhagia. Father Fulgence Bhagia ka janm 29 अक्टूबर 1975 को डोमटोली पटका टोली गन्नटोली पारिश सिमडेगा जिला के झारखंड में जोहन बागे और मरियम बागे के घर में हुआ था। परिवार में उनके तीन भाई हैं। जयंती हाई स्कूल गंगटोली में अपनी 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद 1952 में नोवाटाइन धर्म समाज में वे शामिल हो गए। उन्हें जमतरा जबलपुर में अपना एस्पेरेंसी नोविशिएट का कार्यक्रम पूरा करने के बाद सेंट थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर में अपनी स्कूल की पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने सेंट चार्ल्स सेमिनरी नागपुर में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और एसएफएक्स कॉलेज नागपुर में भी बीए की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने जमतरा में अपनी रेजेंसी और पुणे में के ज्ञानदीप पंटिफिकल इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी एवं थियोलॉजी में थियोलॉजिकल अध्ययन पूरा किया। उन्होंने 6 जून 2005 को पूरी निष्ठा से अंतिम मन्नत का व्रत लिया। 4 जनवरी 2006 को उन्हें कैथोलिक परिवार पुरोहित के रूप में गंगटोली पाली में अभिषेक दिया गया। उन्होंने पुरोहित के रूप में निम्नलिखित जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाया। वर्ष 2006 में सेंट गोंजालो ग्रासिया चर्च इंदारा वाराणसी धर्म प्रांत में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य किए। वर्ष 2007 से 2009 तक नागपुर त्रिपुरे कॉलेज में एमएसडब्ल्यू सामाजिक उत्थान के कार्य में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 2009 सेक्रेड हार्ट चर्च में सहायक पल्ली के पुरोहित और सामाजिक कार्य भार संभाले और वह उन्होंने मीरपुर मिशन वाराणसी धर्म प्रांत में पूरा किया। वर्ष 2010 से 2014 तक सेंट नोबर्ट चर्च हासा खुट्टी धर्म प्रांत में पल्ली पुरोहित के रूप में अपना कार्य संपन्न किए। वर्ष 2014 से 2018 तक होली फैमिली चर्च आधारताल जबलपुर धर्म प्रांत में पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य किए। वर्ष 2018 से 2021 तक जमहार मिशन खूंटी के प्रभारी पुरोहित के रूप में जिम्मेदारी संभाली और 18 मई 2021 में जमहार मिशन को बालक येसु पल्ली के रूप में घोषित किया गया। तब से वे पल्ली के प्रथम पल्ली पुरोहित के पद में आसीन रहे। दिनांक 15-10-2024 शाम करीब 6:15 बजे रोड एक्सीडेंट में उनका आकस्मिक दुर्घटना होगी और उन्हें जब सदर अस्पताल जिला खूंटी लाया गया, जांच के बाद डॉक्टर की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दी। ये खबर सुनते ही संपूर्ण नोवाटाइन धर्म समाज तथा खूंटी धर्म प्रांत में दुख की लहर
इच्छा गई। स्वर्गीय फादर फुलजेंस के माता पिता, सभी भाई बहन, सगे संबंधी, उपस्थित भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई स्वर्गीय फादर फुलजेंस बागेश, हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इन भाई फादर फुलजेंस भाग्य को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। सुमरे जना कांदेरंता हासावेत में उड़न का दूर में रुवाड़ा हासावेत में मनो और के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे उपकार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सबके प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। सो बने चौली सो बने अम्मा अटक सिका उतरे और सदा बना रहे। सो बने में बाबा चौली सो बने अम्मा अटक सिका मो सिंह हुलंग दो भोगिन कमीरिया अजो पाप कमीरिया अजो भोगिन कमीरिया अजो पाप कमीरिया अजो बिचर तयद ते विचर तयद ते दोनों साइड से आ करके पार होते जाएंगे। मानो इस भूपर में दोते दोते तुम जाना है नहीं सोच दुनिया के लिए लाइन बनाइए। हार के बीच
साथी मिल करके कब्र स्थान तक पहुंचाएंगे। इसलिए आप सभी ये धन दौलत धोखे लेने वाले हैं वो लोग बीच रास्ता में पहले से मौजूद रहेंगे। जाता है हम तेरे सम्मान ही जी उठेंगे। हमारे भाई फादर फूलचंद बागे का शरीर इस खबर में उस कड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहेगा जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है हमारे भाई को पुनर्जीवित और आलोकित ना कर दे। हे प्रभु स्वर्ग के राज्य में ये तेरे मुख सच दुनिया